Good morning, everyone. Here we are again in continuation with our first chapter of science, class 7, that is nutrition in plants. But before letting you forward, I would like to you all have a just quick recap which we have all studied in last two sessions. बच्चे पिछली दो क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं दैट न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ फूड न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू टू मोड्स दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. And heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which organisms like animals and us depend on other living organisms for their food, right? In autotrophic nutrition, we have also learned that plants prepare their food by the process of photosynthesis and they require sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll which is present in their leaves. After that, they prepare their food and get energy from the sun. After that, we have also learned that there are some colored plants in which chlorophyll is present in lesser amount than other colored pigments. They also prepare their food by the process of photosynthesis. And except plants, there are some simple unicellular organisms, that is algae, which is green in color and it can also prepare its food by the process of photosynthesis. After that, this we have also learned that carbohydrates are produced at the time of photosynthesis. Lekin bache plants ko proteins aur fats banane ke liye nitrogen ki zarurat hoti hai. Nitrogen jo hoti hai wo pehle soluble form mein convert hoti hai, then it gets absorbed by the plant. क्योंकि जो भी नाइट्रोजन एयर के अंदर प्रेजेंट होती है प्लांट्स उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर सकते और सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या तो फार्मर्स उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं या फिर प्लांट्स की रूट्स में ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. नाउ इन टूडेज सेशन वी विल लर्न अबाउट the heterotrophic mode of nutrition which is followed by in plants also. बच्चे जब हमने last class में पढ़ा था कि जो photosynthesis होती है वो सिर्फ green plants में ही होती है जिनके अंदर chlorophyll होता है. लेकिन what about those plants which do not have chlorophyll? There are some plants which do not have chlorophyll and they cannot synthesize their own food. Then, how do they survive and from where do they derive its nutrition? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants and they use the heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition में बच्चे जो सबसे पहले category आती है plants की, वो parasitic plants होते हैं. Here I would like you all to observe this picture. बच्चे इस पिक्चर में आपको येलो कलर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे जो कि एक ब्रांच और ट्री के स्टेम के अराउंड ट्विन हुए हैं. एक्चुअली दिस इज अ प्लांट ऑफ कसकटा जिसे हम हिंदी में अमरबेल बोलते हैं. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइमिंग, राइट. जिस प्लांट पे इसकी बेल जो होती है लिपटी होती है ये उसी प्लांट से अपना रेडीमेड फूड ऑब्टेन करता है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट. जिस प्लांट पे ये चढ़ता है या फिर जो प्लांट इसको फूड प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं होस्ट. तो इसका मतलब लास्ट पिक्चर में यहाँ पे ये जो प्लांट ये जो अमर बेल है ये जिस ट्री के ऊपर लिपटी हुई है वो ट्री इसके लिए क्या है इसका होस्ट. आफ्टर दिस क्योंकि ये अपने होस्ट से सारे न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करता है इसलिए एक पैरासाइटिक होता है और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स. दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स इन हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आफ्टर दिस अनदर कैटेगरी इज इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बच्चे वो प्लांट्स होते हैं
जो अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये जो पिक्चर है ये पिक्चर प्लांट की है, राइट। इसमें क्या है, ये जो जग जैसा स्ट्रक्चर है इसे हम पिक्चर बोलते हैं। ये एक मॉडिफाइड लीफ का पार्ट है, ये जो इसकी लीफ है, ये जो इसका लिड का काम करती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर व्हिच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इस जग जैसे स्ट्रक्चर के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं। होता क्या है, जब भी कोई भी इंसेक्ट इस पिक्चर के आसपास आता है या इस पिक्चर में आता है, ये जो लिड होती है ये बंद हो जाती है और इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेती है। वो जो इंसेक्ट होता है वो हेयर में उलझ जाता है और द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। मतलब ये जो प्लांट होता है ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस अपने आप से क्रिएट करता है और वो डाइजेस्टिव जूसेस उस इंसेक्ट को उसके अंदर ही क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दिस इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आफ्टर दिस बच्चे, आप सबने मार्केट में मशरूम के पैकेट्स को ऑब्जर्व किया होगा। और इसके अलावा कई बार क्या होता है, जो मॉनसून के सीजन में हम रेफ्रिजरेटर से बाहर कुछ चीजें छोड़ देते हैं, जैसे कि रोटी वगैरह होती है, उस पर आपने देखा होगा अम्ब्रेला लाइक पैचेस जो होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं फंगाई, ठीक है, आप सबने देखा होगा। फंगाई में जो होता है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, जो फंगाई होते हैं वो जिस भी चीज के ऊपर ग्रो होने वाले होते हैं अपने डाइजेस्टिव जूसेस उन पे सिक्रिएट करते हैं और उनको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद वो उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म। जिस न्यूट्रिशन के मोड में ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स को सॉल्यूशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स इस मोड को यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। आफ्टर दिस बच्चे, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ रहने के बाद उनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जो फंगाई होती है बच्चे, वो पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स और अदर आर्टिकल्स पे भी ग्रो हो जाती है इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ मानसून या हॉट ह्यूमिड वेदर में क्यों ग्रो होते हैं। जनरली बच्चे होता क्या है, एक्चुअली में जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो एयर में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब भी मौसम गर्म होता है या वेट होता है वो जो स्पोर्स होते हैं वो लैंड कर जाते हैं और वहीं पे जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो हो जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, शेल्टर शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कुछ फंगाई होती हैं जो ट्री की रूट्स में रहती हैं। अब क्योंकि बच्चे फंगाई जो होती है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो इट इज ऑब्वियस दैट इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो अपना न्यूट्रिएंट क्या करती है, उस ट्री से ऑब्टेन करती है जिसके रूप में वो रहती है, और बदले में, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब उसको कुछ, वो कुछ हेल्प करेगी तो उसको भी बदले में कुछ चाहिए होगा, ठीक है। तो फंगाई उससे अपना खाना ले लेती है और बदले में उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्सॉर्ब करने में उसकी हेल्प करती है, ठीक है। इसी रिलेशनशिप को मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाना चाहूंगी। एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको लीचेन बोलते हैं, ठीक है। लीकन में क्या होता है बच्चे, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, जो कि हमने भी प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, अल्गा।
alga and algae is same, algae is plural form and alga is singular form. तो इसमें क्या होता है, अल्गी और फंगाई जो होती है वो साथ साथ रहते हैं. अब क्योंकि अल्गी जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, इट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बट फंगाई कैन नॉट. तो जो फंगस होती है वो उसे शेल्टर देती है, वाटर देती है, मिनरल देती है, और अल्गा क्या करती है, बदले में उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करके उसे फूड प्रोवाइड करती है. तो बच्चे आपने इन रिलेशनशिप में देखा कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे का फायदा दे रहे हैं. सो बाय टुडे आई वुड लाइक दैट्स ऑल एंड आई वुड लाइक टू द रिकैप्चुलेट द कंटेंट विच वी हैव स्टडीड टिल नाउ. सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड दैट देयर आर सम प्लांट्स विच कैरी आउट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. And first category is parasitic plant. These are the plants which do not have chlorophyll and cannot prepare their own food. They get their food from other plants called host. For example, cascata. Insectivorous plants are those plants which feed on insect. For example, pitcher plant. The leaf of a pitcher plant is modified into a pitcher. The end of the pitcher has a lid which can open and close. When an insect enters the pitcher, the lid closes, the insect is then digested by digestive juices inside the pitcher. After this, saprotrophs are the plants which do not have chlorophyll and cannot prepare their own food. They get their food from dead and decaying matter. For example, mushroom, bread mold. They produce digestive juices on the dead and decaying organic matter and convert into a solution and then absorb the nutrients from the solution. After this, symbiotic relationship. Some plants live together and share shelter and nutrients. For example, in lichens, an alga and a fungus live together. The fungus provide shelter, water and minerals to the alga, whereas the alga provide food to the fungus which it prepares by photosynthesis. So for today, that's all. Thank you so much, everyone.